जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। समय समय पर हम आपके लिए अनेक प्रकार की ऐसी अद्भुत अनमोल जानकारियां लेकर आते हैं जो आपको पुण्यदायी बनाती हैं, पुण्यशाली बनकर आपको जो अनेक प्रकार के धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ के सरल उपाय हम बताते हैं उनको करने से आपके घर में सुख शांति और हर प्रकार के मनोरंजक वातावरण का निर्माण होता है। आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए एक ऐसी अद्भुत जानकारी लाए हैं कि देवों के देव महादेव जब भक्तों पर खुश और प्रसन्न होते हैं तो वो बिना सोचे समझे ही वरदान दे देते हैं। ऐसे ही एक वरदान स्वरूप में जब भस्मासुर राक्षस ने बहुत ही ज़्यादा अघोरी तपस्या, बहुत ही कष्टदायी तपस्या जब भगवान भोलेनाथ की तब उस पर प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने जो वरदान दिया था उसके स्वरूप कैसे भगवान भोलेनाथ को अनेक कष्ट सहने पड़े, परिवार सहित उन्हें कैलाश छोड़ना पड़ा और कैसे एक राक्षस की वजह से सारे देवी देवता परेशान हो गए और उन्हें एक ऐसी जगह शरण लेनी पड़ी जो माँ वैष्णो देवी के दरबार के थोड़ी ही दूरी पर है और उसी हिमालय पर्वत की पर्वत श्रृंखला के दर्रे में स्थित है। वहाँ पर कैसे जब आप उस गुफा की ओर जाते हैं तो भगवान गणपति के आपको पर्वत रूप में दर्शन होते हैं। वहाँ पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको पूरे पहाड़ की जो आकृति है वह पूरी आकृति श्री गणेश जी के आकार में दिखाई देगी और अंदर जाने पर 33 कोटि देवी देवताओं को भगवान भोलेनाथ ने बचाने के लिए कैसे उस गुफा में स्थान दिया। वैष्णो देवी की तीनों पिंडियां भी वहां पर उपस्थित हैं, श्री राम जी, सीता जी, उनका पूरा परिवार, बच्चे सहित वहां पर कैसे उन्होंने उन्हें स्थान दिया, ये सारी जानकारी आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। समय समय पर हम आपके लिए अनेक ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करिए, क्योंकि हमें आपके इस सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप अनेक ऐसी जानकारियों की प्राप्ति के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपकी हर समस्या का समाधान लाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर लिखें। आपके लिए अनेक प्रकार की ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर हैं जिनमें अनेक प्रकार की धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपको समाधान प्राप्त होगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो शास्त्र सम्मत बड़े ही सरल उपाय हम आपके लिए ऐसे लेकर आते हैं, उनसे आप लाभान्वित हो पाएंगे जिससे आपके घर की हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी भी दूर होंगी, धन लाभ भी होंगे, स्वास्थ्य लाभ भी होंगे और घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है वह भी जरूर दूर हो जाएगी। ऐसे अनेक सरल उपाय हमने आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। समय समय पर अनेक प्रकार के पाठ पूजा विधान भी हम आपके लिए लाते रहते हैं। आज हम जिस धाम के बारे में बता रहे हैं वह भगवान भोलेनाथ का ऐसा धाम है जहाँ से सीधी गुफा का रास्ता अमरनाथ तक जाता है और दूसरी जो रास्ता गुफा का बना हुआ है वह स्वयं स्वर्ग लोक तक जाता है। उस धाम का नाम है शिवखोड़ी धाम। शिवखोड़ी धाम ऐसा भोलेनाथ का धाम है जो माँ वैष्णो देवी से 1.5 घंटे की दूरी पर ही स्थित है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो भक्त जाते हैं वह भी शिवखोड़ी धाम जाकर के भगवान भोलेनाथ के पिंडी रूप में जब दर्शन करते हैं, जिस पिंडी का आकार लगभग 3.5 से 4 फुट ऊंचा है और भगवान भोलेनाथ वहां पर पिंडी रूप में विराजमान हैं। सतयुग के ज़माने में कहा जाता है कि शिवखोड़ी धाम में भगवान भोलेनाथ के इस पिंडी रूप के ऊपर स्वयं जो गायों में सबसे श्रेष्ठ है वह कपिला गाय अपने दुग्ध से उन्हें अभिषेक कराती थी। आज भी वहाँ पर यदि भक्त दर्शन के लिए जो जाते हैं वह देख पाते हैं कि वही 4 इस प्रकार से बने हुए जो गाय के दूध
प्रदान करने वाले स्तन हैं उनसे अभिषेक आज भी हो रहा है। परंतु सतयुग के जमाने में जो दूध से अभिषेक होता था आज वह गंगाजल के रूप में अभिषेक हो रहा है। वहाँ पर शेषनाग की विशेष आकृति बनी हुई है। माता वैष्णो रानी की जो तीन पिंडियों के दर्शन माँ वैष्णो देवी के दरबार में आप करते हैं उन माँ को भी यहाँ पर शरण दी गई है। तीनों पिंडी रूप में यहाँ पर भी माँ विराजमान हैं। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का भी यहाँ पर विशेष रूप है। गणेश जी कार्तिकेय का भी आकृति जब आप देखेंगे तो अद्भुत दर्शन पाकर के आपकी किस्मत को चार चांद लग जाएंगे। आप यहाँ पर सप्त ऋषियों को भी अनेक प्रकार से देख पाएंगे जो अंदर बैठे हुए बोर्ड श्राइन बोर्ड की ओर से गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त प्रदान किए गए आपको जो पंडित जी हैं वो हर प्रकार से टॉर्च के द्वारा पूरे हॉल में उपस्थित सभी देवी देवताओं की आकृतियों के आपको टॉर्च से दर्शन भी कराएंगे, उनके बारे में भी बताएंगे, गंगाजल कहां से कैसे प्रकट हो रहा है वह भी समझाएंगे। एक भीड़ी सी ऐसी गुफा जिसके अंदर से आप प्रवेश करते हैं और भगवान भोलेनाथ उनके परिवार और अन्य 33 कोटि देवी देवताओं सहित सप्तऋषि के भी दर्शन करते हुए अमरनाथ को जाने वाली और स्वर्ग लोक को जाने वाली दोनों गुफाओं के भी आप दर्शन वहां पर कर सकते हैं। परंतु आपको हम बताना चाहेंगे कि इस गुफा का किस प्रकार से निर्माण किया और क्यों किया। भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त भस्मासुर के भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया कि जिस पर भी आप अपना हाथ सिर पर रख देंगे वह भस्म हो जाएगा। इसलिए भस्मासुर बड़ा ही खुश हुआ और वह भगवान भोलेनाथ के द्वार कैलाश पर जाकर के उनके परिवार के साथ घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। उन्होंने जब पार्वती माँ को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया और वह सोचने लगा कि भगवान भोलेनाथ तो हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं, इन्हें इतनी सुंदर नारी की क्या आवश्यकता। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ के ही सिर पर हाथ रखने के लिए प्रयास किया। उससे बचने के लिए भगवान भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, वह ऐसे वरदान दे देते हैं कि किसी भी प्रकार से वो सोचे बगैर अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। तो वो वहाँ से परिवार सहित भगवान भोलेनाथ भाग गए और भाग करके उन्होंने यहाँ पर शिवखोड़ी नामक धाम में एक गुफा का निर्माण किया और वहाँ पर अपने परिवार सहित रहने लगे। वहीं पर जब भस्मासुर अलग अलग लोकों में घूमकर अलग अलग देवताओं को परेशान करते हुए भोलेनाथ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे तो वो देवता भी अनेक प्रकार से घूमते हुए भगवान भोलेनाथ की शरण प्राप्त करने के लिए यहाँ शिवखोड़ी धाम में पधारे, जो आज भी वहाँ आकृति रूप में आपको गुफा के अंदर ही दिखाई देंगे। तो इतने देवी देवताओं के दर्शन आपको वहाँ पर होंगे। भगवान विष्णु के द्वारा किस प्रकार से वहाँ अपने सुदर्शन चक्र से उस गुफा के निर्माण में सहयोग दिया गया वह भी आप वहीं जा कर के देख सकते हैं। शेषनाग की पूरी आकृति पूरी ऐसे जो बनी हुई है उस गुफा में वह भी आप देख पाएंगे। इतने सालों से सुरक्षित भगवान भोलेनाथ का वह वास स्थान जिसे आज भी शिवखोड़ी के नाम से शिवखोड़ी धाम के नाम से जाना जाता है वह गवर्नमेंट के अधीन वह गुफा है। वहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधा के साथ आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन और कथा का पूरा प्रसंग बताने के लिए हर प्रकार से गवर्नमेंट का इंतज़ाम है। सरकार के द्वारा वहाँ पर पुजारी पंडित आपके कीमती सामान को रखने के लिए अनेक व्यवस्थाएँ और पहाड़ पर हर प्रकार के पानी और खाने की सुविधाएँ प्रदान करवाई गई हैं। आप शिवखोड़ी धाम जाकर के भगवान भोलेनाथ के उस अनुपम कृत्य को, उस अनुपम गुफा को, उस वास स्थान को स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस प्रकार की अनेक जानकारियां हम बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर लाते रहते हैं। शिवखोड़ी धाम पर जाकर के यदि आप अपनी कोई मन्नत मानते हैं भगवान भोलेनाथ उसे जरूर पूरी करते हैं। यदि आपको कभी अवसर मिले तो शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप शिवखोड़ी धाम जरूर पधारें, जहाँ की 5 या 7 किलोमीटर की ही सामान्य ऊंचाई है। वहाँ पर जाने के लिए, चढ़ने के लिए घोड़ों की भी सुविधा उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति समर्थ न हो तो उनकी सहायता से भी वहाँ तक, मंदिर तक पहुँचकर वापस भी आ सकता है। घोड़ों के
द्वारा दर्शन किए जा सकते हैं या जो अपने सामर्थ्य अनुसार स्वयं जा सकते हैं, तो मुश्किल से 5 या 7 किलोमीटर की चढ़ाई है, उससे आपको सुंदर मनोरम प्रकृति के अंदर ही कैसे वहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने अपना वास स्थान बनाया, अनेक देवताओं को शरण दी और आज भी वहाँ पर गंगा जल की कैसे उत्पत्ति है, भगवान भोलेनाथ का कैसे अभिषेक हो रहा है, उस पूरी कथा कहानी को अपनी आँखों से स्वतः ही देख सकते हैं और उस पुण्य के भागी बन सकते हैं कि आज भी वहाँ भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से गंगा के अभिषेक के द्वारा और कैसे पुण्यदायी क्षण पल वहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आप जाकर के ऐसी ओरा, ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी वहाँ पर महसूस करेंगे कि स्वयं भगवान भोलेनाथ आपके सामने हैं और अनेक देवी देवता आपको आशीर्वाद से, वरदान से परिपूर्ण कर रहे हैं। आपको फलीभूत होंगी आपकी मन्नत और मनोकामनाएं जब आप वहाँ जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। ऐसी अनेक अद्भुत जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर, तो ऐसी जानकारियों के लिए नोटिफिकेशन में ऑल बेल बटन प्रेस करें और हर प्रकार की अनेक ऐसी अद्भुत अनमोल जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करके पुण्य के भागी बनें और अपने जय भोलेनाथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपनी समस्या यदि कोई भी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके समाधान के लिए सरल उपाय हम आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। जय श्री राम मित्रों।